वेलकम टू डेली बाइट्स गाइस। हम देखेंगे कि जो बीएड का पेपर का जो भी आंसर किया है उसमें कौन कौन से डिस्प्यूटेबल क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पे क्लेम करना है। तो गाइस एक बात ध्यान रखें कि क्लेम आपको ही करना है, आपके बिहाफ पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर कैंडिडेट को अपने अपने लॉग इन पोर्टल में लॉग इन करना है और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है और उसमें आपको क्लेम करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हो सकता है कि जो कोई भी क्लेम मैं बता रहा हूं हो सकता है कि मैं गलत हूं। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं हो सकता है कि मेरा जो भी कहना है वो गलत हो और यूनिवर्सिटी कुछ और मान रही हो। मैं बस क्या कर रहा हूं कि आपके माइंड को और आपका जो क्वेश्चन पेपर है इन क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करा रहा हूं। आप इन क्वेश्चन को अपने पेपर में देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। आप अपने साइड से सॉल्व करिए और देखिए उसका सॉल्यूशन क्या बनता है, क्या आना चाहिए। सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइएगा, मैं बस बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है और इसमें डिस्प्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हर बच्चे के पेपर में ये वाला क्वेश्चन होगा, पी क्यू आर एस टी एंड यू बी आर मेंबर्स ऑफ अ क्लब। इस क्वेश्चन में एक डिस्प्यूट है मेरे हिसाब से, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनमें से एक भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आंसर आना चाहिए, मतलब जो सवाल का जवाब होगा वो देवर भाभी का रिश्ता है इसमें, तो सिस्टर इन लॉ आना चाहिए या फिर ब्रदर इन लॉ कह लीजिए, कुछ इस तरह का रिश्ता आना चाहिए, ना कि ये वाइफ जो दिया, वाइफ तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आई थिंक आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो देखेंगे क्वेश्चन पेपर में इसमें ये लिखा हुआ है कि ये क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस और कैरम ये खेलते हैं और टोटल पी क्यू आर एस टी यू जो है इतने लोग हैं, टोटल जो छह लोग हैं और इन छहों का जेंडर नहीं दिया हुआ है, कौन मेल है कौन फीमेल है ये हमें नहीं पता। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एस प्लेस फुटबॉल, तो मैंने क्या किया यहां टिक कर दिया कि भाई एस प्लेस फुटबॉल। अब फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में एक दो लाइन पढ़िए और फिर लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि नन ऑफ द वुमेन्स प्ले टेनिस, कैरम और फुटबॉल। इसने लिखा है कि महिलाएं जो है वो ना तो फुटबॉल खेलती हैं, इसलिए देखिए मैंने उसे क्रॉस लगा दिया है, ना टेनिस खेलती हैं और ना ही कैरम खेलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी महिला होंगी या तो क्रिकेट खेल रही होंगी या तो बास्केटबॉल खेल रही होंगी या तो वो हॉकी खेल रही होंगी। तो एक चीज तो यहां स्पष्ट है। अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि S plays football and is married to Q. अब कह रहा है कि S football खेलता है और Q, उसकी शादी Q से हुई है। तो देखिए Q से जब उसकी शादी हुई है तो अब सवाल है ये कि हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे हैं कि Q जो है क्रिकेट खेलती है, Q क्रिकेट खेलती है। देखिए क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि R plays carom। अब आर कैरम खेलता है तो स्पष्ट हो गया कि देखिए जिन पे प्लस लगा हुआ है इसका मतलब कि वो मेल है, तो आर कैरम खेलता है मतलब ये मेल हो गया, क्योंकि कैरम कोई महिला नहीं खेलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आर मेल होगा। फिर पी इज द ब्रदर ऑफ यू, अब लिखा है कि पी जो है यू का भाई है और क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि यू प्लेस टेनिस, इसका मतलब ये हो गया कि टेनिस कोई महिला नहीं खेल रही तो यू का जेंडर प्लस होगा यानी कि ये मेल है, और वही कह रहा है कि पी जो है यू का भाई है तो यानी कि P का जेंडर जो है प्लस हो गया, P भी मेल है। तो देखिए स्पष्ट हो गया कि R, P, U ये लोग मेल है, अभी एक जगह बच रहा है तो T जो है फीमेल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और लिखा था कि वन ऑफ द टू मैरिड कपल्स इन द ग्रुप प्लेज बास्केटबॉल एंड हॉकी, एक कपल और है जो शादीशुदा है जो बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है। तो देखिए यहां देखने वाली बात यह है कि जो भी अगला कपल होगा टी या तो बास्केटबॉल खेलती होगी या तो हॉकी खेलती होगी, और पी या तो बास्केटबॉल खेलता होगा या तो हॉकी खेलता होगा, और क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू और मतलब क्वेश्चन से आप कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि क्यू और एस जो है हस्बैंड वाइफ है और पी जो है यू का भाई है, तो आप क्वेश्चन में क्या पा रहे होंगे कि पी और टी इन दोनों के बीच में रिश्ता स्टेबलाइज्ड है, यानी कि पी और टी हस्बैंड वाइफ होगा, तो ये टी और पी हस्बैंड वाइफ हैं। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और यू इसका भाई है तो भाई इस औरत का यू क्या लगेगा,
यू उसका देवर हो गया और ये उसकी भाभी हो गई, तो सिस्टर इन लॉ कह लीजिए या फिर जो है जो कुछ भी है वो उस हिसाब से आप कह लीजिए। तो ओवरऑल यही स्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सॉल्यूशन तो ये होना चाहिए। बाकी का हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत हो। आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो गाइज आप कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करिए कि सर ये एक्स वाई जेड क्वेश्चन में हमें और डाउट है। और देखिए क्लेम करने से पहले आपका क्लेम बहुत मजबूत होना चाहिए, उसे चार बार वेरीफाई करिए। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे ऐसे क्वेश्चन भी इसमें मिस्टेक में दे रखा है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी होगा क्योंकि यहाँ दे रहा है कि फाइव फ्रेंड्स ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो एक सर्कल में बना दीजिए फाइव फ्रेंड्स ए बी सी डी आर, ए सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, तो यहाँ बैठा दो सी। और ध्यान रखना सी का एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और क्लॉकवाइज हो गया राइट। अब ये सी बीच में बैठा हुआ है फेसिंग सेंटर, तो ए सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, तो ए राइट में बैठा है, डी सिटिंग इन बिटवीन बी एंड ई, अच्छा एंड ई सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, तो ई जो बैठा है कहाँ, ए और डी के बीच में। फिर तो इससे ये क्लियर हो गया कि जब पांची जगह है तो बी बैठा होगा यहाँ। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ो, ए सिटिंग टू द राइट ऑफ सी सही है, डी सिटिंग इन बिटवीन बी एंड ई ये भी सही है, डी देखिए बी और ई के बीच बैठा हुआ, ई सिटिंग बिटवीन ए एंड डी ये भी सही बैठ रहा था। फिर पूछ रहा हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, तो अब डी का मुंह अगर इधर है तो उसका राइट हैंड इधर होगा ना, तो बी बैठा हुआ है और इन्होंने ऑप्शन में ई दे दिया है, तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। तो आप लोग भी क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर दीजिएगा, देखिए उसी चीज को मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा एक चीज क्वेश्चन और, रामचरित मानस इज अ वर्क ऑफ विच टाइम इन हिंदी लिटरेचर। देखिए गाइस रामचरित मानस लिखी गई थी 1623 में तुलसीदास द्वारा, तो 1623 में जब ये किताब लिखी गई थी तो ये भक्ति मूवमेंट डिवोशनल पीरियड का हिस्सा है, टू होना चाहिए। मॉडर्न एरा तो यार इस समय देखिए मतलब ये जहांगीर अकबर इन लोगों के समय लिखा गया था, तो मैं इसे मॉडर्न एरा में तो बिल्कुल ही नहीं डालूंगा, डिवोशनल पीरियड में डालिए। और आप लूसेंट की बुक आप लोगों के पास होगी तो उसमें जो भक्ति मूवमेंट का वो दे रखा है, भक्ति मूवमेंट में देखिए रामचरितमानस और तुलसीदास के बारे में दे रखा है, तो इस हिसाब से डिवोशनल पीरियड होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी कहां से इस चीज की क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन आप इन इन क्वेश्चंस पे आप लोग क्लेम करिए जो मैं बता रहा हूं, और जो भी मैं बता रहा हूं हो सकता है कि गलत हो। अब देखिए वो जो पहला तीन क्वेश्चन था उसमें मैं 70-80% श्योर हूं कि वो गलत है, अब उसके बाद यहां मैं 50-50 हूं। अब लिखा है कि आयरन रिक्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट मदर, देखिएगा इस गूगल देखेंगे तो गूगल तो लिखेगा कि 30-60 mg होना चाहिए, या फिर कहीं और देखेंगे कई जगह तो दे रहा होगा 27 mg होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको अपने गलत मार्क कर रखा और आपको क्लेम करना है तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है 50-50, लेकिन बहुत से ऐसे साइंस की बुक्स आती हैं जहां 38 मिलीग्राम दे रखा, लेकिन मेजॉरिटी में आपको डिस्प्यूट ही मिलेगा, तो इसीलिए मैंने कहा इस पे 50-50 है। तो आप क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी एट लास्ट कंसिडर करेगी। अच्छा ये कैलेंडर का क्वेश्चन गाइज आप लोग सॉल्व करिएगा, मेरे हिसाब से कैलेंडर का जो आंसर दे रखा है वेडनेसडे ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है जो मैंने देखा है। अब कैलेंडर का सॉल्व करिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को भी क्रॉस चेक करिए, क्लैरिफाई करिए गलत है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो शायद कैलेंडर क्वेश्चन गलत है। अच्छा एक बहुत ही डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन ये है कि डैश इज अ पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मालथूस, तो मालथूस ने दो चीजें सजेस्ट की थी। देखिए मालथूस ने डेमोग्राफी में जनसंख्यिकी में दो चीजें सजेस्ट की थी, एक प्रिवेंटिव चेक और दूसरा पॉजिटिव चेक। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिस्प्यूटेबल इसलिए मानता हूं, देखिए मैं आपको बताऊं मैं जो है इसी से मैं इसी सब्जेक्ट में नेट जीआरएफ क्लियर है मेरा, तो चैनल पे मैंने बकायदे में 30 मिनट का हिस्ट्री का लेक्चर भी होगा जिसमें जिसमें मैं हिस्टोग्राफी के बारे में समझा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से ये लिखा है कि डैश इज अ पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मालथूस, फेमाइन अकाल ये सही तो है ही, लेकिन सेक्सुअल एब्सेंटिज्म ये भी मेरे हिसाब से सही है, जो लिखा हुआ है कि यौन संयम जो मतलब मालथूस की थ्योरी में ये था कि गर्भ निरोध के तरीकों का यूज करने के बजाय, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करने के बजाय इंसान स्वयं पर संयम रखे और शारीरिक संबंध में न इन्वॉल्व हो, तो जिससे कि एक और जिससे कि आबादी नियंत्रण में हो। तो इसको मालथूस ने क्या कर रखा है कि जो सेक्सुअल एब्सेंसिज्म वाली बात है मालथूस ने उसको प्रिवेंटिव चेक में डाल रखा है, और पॉजिटिव चेक में डाल रखा है फेमाइन ड्रॉट सूखा पड़ जाए इस तरह की चीजें। तो
अनलेस की डेमोग्राफी का या फिर जियोग्राफी का एकदम कोई यूपीएससी वाला लड़का हो, भयानक वो कर रहा हो, एकदम बाल के खाल निकाला जाए, तभी जाके ये होगा कि नहीं भाई ये सेक्सुअल एब्सेंस अलग है, फेमिनिन अलग है। मेरे हिसाब से तो वन भी होना चाहिए। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूँ एक कंक्लूजन नहीं है, कई चीजों को मिलाने के बाद एक कोरोली है जिसपे मैं पहुंच रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी गाइस आप लोग वीडियो में कमेंट करिए, बताइए आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, और आपको लगता है कोई और क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल है तो प्लीज कमेंट करके मेंशन करिए। और देखिए गाइस ये जो डेमोग्राफी वाला हिस्सा है उसका मैंने आर्टिकल भी अटैच कर दिया। ये देखिए इग्नू की एक बुक आती है, इससे स्टैंडर्ड तो मार्केट में मुझे लगता है कोई और जस्टिफाइड बुक भी नहीं होगी। इग्नू की बुक आती है एमएचआई 2 मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें मालथुसियन थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक चेंज दे रखा है, और उसमें ये बात लिखा है कि एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओनली रिस्पेक्टेबल वे टू कंट्रोल विद द वाज अ प्रिवेंटिव चेक। अब यार यहाँ एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो गर्भ निरोध की बात कर रहा है उसी को तो सेक्सुअल एब्सटेंशन में लेंगे, यौन संयम में। जब यौन संयम में उस चीज को आप ले रहे हो तो प्रिवेंटिव चेक में आ जाए, वो प्रिवेंटिव चेक में ले रहा है उसको, और वहां बस ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव चेक क्या है। तो इनके हिसाब से कि पॉजिटिव चेक ये होना चाहिए, फॉर्म ऑफ वाटर डिजीज, स्टरिलिटी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वो जो फेमाइन दे रखा है इसलिए फेमाइन इंक्लूड कर रहा है। तो ये पता ये आप मतलब मेरा तो इसमें नेट जा रहा था मामी जी, तब मैं आपको सोचिए बुक में से वो लाइन ला के दिखा रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो नॉर्मल वे में तो ये क्लेमेबल है कि इसको क्लेम करना चाहिए। बहुत बाल का खाल निकालेंगे तब जरूर सेग्रीगेट कर सकते हैं आप। ओके गाइज सब्सक्राइब डेली वाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।